दोस्तों, आप अपने प्यार को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो जानकारी आज हमने जुटाई है, उसे जानने के बाद आपके दिल में ये बात जरूर आएगी, क्या कोई अपने प्यार को पाने के लिए इस हद तक जा सकता है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए हमारे साथ प्यार के सुहाने सफर पर। नंबर एक, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ खेती बाड़ी करने वाला नरेंद्र काम की तलाश में गोवा जाता है और वहां एक बार में वेटर का काम करने लगता है। वहीं रूसी पार्लियामेंट के इकोनॉमिक्स विभाग में काम करने वाली है एना आती है। गोवा में इन दोनों की पहली मुलाकात आज से 3 साल पहले हुई। मुलाकात दोनों के बीच प्यार में बदल गई। नरेंद्र और एना ने एक दूसरे के प्यार को महसूस किया और फिर दोनों ने शादी भी कर ली। अपने रहन सहन और जीवन स्तर को भुलाकर जिस तरह एना ने नरेंद्र के प्यार को स्वीकार किया, उसके साथ भारत में रहने को राजी हुई, ये कम ही देखने को मिलता है। फिलहाल एना को नरेंद्र के वीजा का इंतजार है, जिसके आने के बाद दोनों ने रूस जाने की प्लानिंग कर रखी है। नंबर दो, हरियाणा का करनाल जिला, जहां के एक छोटे से गांव के किसान 25 वर्षीय मुकेश की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से 41 साल की एंड्रियाना पैरोल से हुई। एंड्रियाना पैरोल यूएसए से है और एक रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। फेसबुक से परवान चढ़ा ये प्यार इस तरह हकीकत में बदल जाएगा, इसका अंदाजा शायद एंड्रियाना के परिवार वालों को नहीं था। एंड्रियाना ने जब यूएसए से भारत के लिए उड़ान भरी तो उनके परिवार वालों ने उन्हें मना भी किया, लेकिन अपने प्यार की खातिर एंड्रियाना ने न केवल भारत आने का मन बनाया बल्कि उन्होंने भारतीय रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार शादी की। आज मुकेश और एंड्रियाना एक छोटे से गांव में हंसी खुशी जीवन बिता रहे हैं। नंबर तीन, तमिलनाडु के सुरेश और बेल्जियम की सारा, दोनों के बीच एक शिप में मुलाकात हुई। सारा बेल्जियम में एक रेस्टोरेंट चलाती थी और अपने कैटरिंग प्रोफेशन में पूरी लगन से काम करती थी। अपने प्यार की खातिर वो सब कुछ छोड़कर भारत आ गई, लेकिन यहां उन्होंने जात पात के बंधनों का भी सामना किया। बड़े मंदिर में उन्हें शादी करने की इजाजत नहीं मिली और इन्हीं अड़चनों की वजह से अब तक उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाया, लेकिन छोटे से मंदिर में ही सही अपने प्यार के साथ ही शादी करके आज सारा और सुरेश बेहद खुश नजर आते हैं। नंबर चार, यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले दीपक शर्मा को इटली की सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल निकोल्टा से प्यार हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी की पढ़ाई पूरी कर चुके दीपक ने जब ऑनलाइन जॉब के लिए आवेदन किया तो उन्हें एक क्रूज पर नौकरी मिली, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें ऐसा लगा जैसे जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। इसका कारण ये था कि उनकी फेसबुक फ्रेंड निकोल्टा भी उसी क्रूज पर काम करती थी। दोनों ने 8 साल तक उसी क्रूज में साथ साथ काम किया। फिर निकोल्टा ने भारत आकर मई 2016 में दीपक शर्मा से शादी की और आज दोनों हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। नंबर पांच, दोस्तों, अब बात करते हैं प्यार की उस कहानी की, जिसे जानने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या अपने प्यार से मिलने के लिए कोई इतना समर्पित हो सकता है? उड़ीसा के गरीब दलित परिवार से ताल्लुक रखने वाले पीके महानंदिया एक चित्रकार थे और स्वीडन से पहली बार भारत घूमने आई स्कारलेट वान उनसे दिल्ली में पहली बार मिली। स्कारलेट ने महानंदिया से अपना एक पोर्ट्रेट बनाने को कहा। महानंदिया ने उनका पोर्ट्रेट बनाकर उन्हें दे तो दिया, पर उसके साथ ही अपना दिल भी दे दिया। स्कारलेट तो स्वीडन वापस चली गई, लेकिन महानंदिया की रातों की नींद और दिन का चैन भी ले गई। वीजा नहीं था, टिकट के पैसे भी नहीं थे, महानंदिया ने फिर भी अपने प्यार से मिलने की ठानी। अपना सब कुछ बेचकर एक साइकिल खरीदी और उड़ीसा से साइकिल चलाकर 3,500 मील का सफर तय किया। स्कारलेट के पास पहुंच गए। स्कारलेट ने कभी सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की थी। अपने प्रति महानंदिया का इस समर्पण देखकर उसे भी महानंदिया से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। आज दोनों के बीच का यह किस्सा केवल उन्हें नहीं बल्कि हर प्रेमी जोड़े को रोमांचित कर देता है। तो दोस्तों, हमें यकीन है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही प्यार के खूबसूरत एहसास से भरे वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखकर प्यार की इन कहानियों को प्यार दे दें। जय हिंद, वंदे मातरम।